जी, आज जो पढ़ना है डेट इज इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज। और ये जैसे मैंने पहले बताया कि अक्सर बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि किसी चीज को पढ़ना कैसे है, या कोई किताब को या नोट्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए दोनों तरीके से फायदेमंद है। एक तो ये कि आपको वैसे एक स्किल पता चलेगी, कोई किताब पढ़ने को आपको कुछ दी जाती है, या आपने आगे कल को कोई नई किताब पढ़नी है किसी टॉपिक के ऊपर, या कोई नोट्स पढ़ने हैं तो वो आपको पता लगे। नंबर टू, आपके पेपर की तैयारी में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। बाज दफा टाइम थोड़ा होता है, नोट्स ज्यादा होते हैं, तो कुछ ऐसी टूल्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप इफेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, थोड़े टाइम में ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ सकते हैं। तो उसमें अब ये हम पढ़ेंगे टेक्निक्स को। फर्स्ट वन इज कार्ड स्किमिंग। पहली टेक्निक जो हम इसमें देख रहे हैं डेट इज स्किमिंग। और स्किमिंग के बारे में जो है नीचे इसमें लिखा है कि स्किमिंग इन्वॉल्व रीडिंग की पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। ये आमतौर पे जो स्किमिंग होती है ये इन्वॉल्व क्या करती है, ये जस्ट मोटे मोटे जो आप मोटी मोटी कहते हैं ना, मोटा मोटा पढ़ना चीजों को, दैट इज कॉल्ड स्किमिंग। की पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, मोटी मोटी चीजों को टेक्स्ट में से पढ़ें। यू कैन यूज इट व्हेन यू नीड टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ एन ऑथर्स मेन लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। कहता है अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो और आपने जल्दी में जल्दी जल्दी ऑथर की को मेन मेन मोटी मोटी बातें देखनी हो, जैसे वो कहते हैं ना कि ये सर किताब देखें, तो वो कहता है यार मुझे मोटी मोटी बात बस बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना इसको पढ़ने का, देन यू हैव टू गो फॉर स्किमिंग। तो आपको फिर स्किमिंग की तरफ जाना चाहिए। अब स्किमिंग स्किमिंग कैसे होती है, स्किम रीडिंग कैसे की जाती है, इट हैज टू बेसिक टेक्निक्स। इसकी दो टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन टेक्निक इज कॉल्ड स्टार्ट फिनिश टेक्निक। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल वेल रिटन आर्टिकल्स एसेज एंड चैप्टर ऑफ बुक्स आर स्ट्रक्चर्ड इन द फॉलोइंग वे। कहता है ये जो अच्छे जो बेहतर जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें हम ये बातें सिखाते हैं बच्चों को कि इस तरीके से किताब लिखनी चाहिए। तो एक अच्छी जो किताब लिखी होगी उसके अंदर ये तीन हिस्से होंगे। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, उसकी एक शुरू में किताबचा दिया होगा, आप अक्सर देखते हैं शुरू में प्रीफेस के नाम से उसमें उसने बताया उस किताब के बारे में। देन देयर विल बी द मेन बॉडी ऑफ द बुक, जिसके अंदर आप सारी वो बातें लिखी होंगी। एंड इन द लास्ट देयर विल बी अ कंक्लूजन, उस बंदे ने कुछ ना कुछ उससे कंक्लूड किया होगा। तो इट मीन्स दिस मीन्स दैट द सेंट्रल आइडिया शुड बी प्रेजेंटेड 3 times। कहता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्चुअल किताब होती है उसमें आइडिया 3 दफा प्रेजेंट किया होता है मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, किस तरह क्या होता है, उसने कहा फर्स्ट वन जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, द आइडिया इज नोटेड ब्रीफली इन द इंट्रोडक्शन, जस्ट मोटा मोटा उसको टच दिया होता है आइडिया को, ब्रीफली डिस्कस किया होता है आइडिया को कि यार ये किताब जो है ये इस थीम के ऊपर जो है ना ये बात करेगी और ये बातें इसके अंदर कवर की जाएंगी। द सेकेंड इन द बॉडी देर विल बी कम्प्लीट डिटेल्स, ये तो पूरी डिटेल होगी, पूरी बहस होगी, काफी एक्सटेंसिव चैप्टर होगा ये, इसके अंदर फर्दर बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं। एंड देन इन द लास्ट देर विल बी रिव्यूड ब्रीफली इन द कंक्लूजन, आखिर में भी फिर वो क्या होगा कि उसका निचोड़ निकालेगा कि आखिर में आखिरी चैप्टर में या आखिरी बातों में वो बताया होगा कि इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि यह किताब को सारी बातें उसने करने के बाद कहना है कि इन तमाम बातों से साबित होता है कि ये बातें सच्ची हैं। वो मतलब कि उसने ये 3 different angles से एक ही बात को जो है ना एक किताब के अंदर किया हुआ। तो अब उसमें जो स्टार्ट फिनिश अप्रोच है इसमें ये होता है कि अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दो चीजें पढ़ लें तो एक्चुअली वो किस टॉपिक पे बात करना चाहता है और उस टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद वो क्या नतीजा निकालता है, ये दो चीजें आपको बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और यही तो वो दो चीजें हैं जो आप किसी से कहने के लेना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आपको ये नहीं पता चलेगा, बॉडी अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचा है, वो नहीं पता चलेगा क्योंकि बॉडी में उसने वो चीजें उसने मेन बॉडी में वो प्रूव की होंगी चीजें मैथमेटिकली साइंटिफिकली या आर्ग्यूमेंट्स के साथ कि जनाब ये इस वजह से ऐसे मैं कह रहा था, लेकिन आपको मोटी मोटी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, द बिगिनिंग एंड एंडिंग पैराग्राफ्स ऑफ अ टेक्स्ट शुड प्रोवाइड समरीज ऑफ इट्स सेंट्रल आइडिया। वो कहता है कि अगर आप शुरू और आखिर किताब का पढ़ लें तो आपको सेंट्रल आइडिया पता चल जाएगा। दिस स्ट्रैटेजी हियर इज टू केयरफुली रीड, ये स्ट्रैटेजी हियर इज टू केयरफुली रीड, लेकिन कहता है यहाँ पर जो मेन स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए इन चीजों को। द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स ऑफ ईच चैप्टर और सेक्शन, कोई भी चैप्टर आप उठाकर देख लें, किसी भी किताब का उठाकर देख लें, तो जो शुरू में पहला पैरा या पहले 2 या 3 पैरे होंगे वो उस किताब के बारे में उस चैप्टर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन के होंगे। एंड द फाइनल पैराग्राफ और कंक्लूजन ऑफ ईच चैप्टर और सेक्शन,
और आखिर में उस चैप्टर को खत्म होते वक्त अगर तो कोई कंक्लूजन की हेडिंग बनी है तो वो पढ़ लें, अगर नहीं हेडिंग बनी हुई तो लास्ट के जो एक या दो पैराग्राफ्स हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि इसने कंक्लूड क्या किया। इसी तरह ये अब जो ऊपर उसने बात की थी ना यहाँ पर, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो किताब की बात की थी कि किताब के ये तीन हिस्से होते हैं। उसके बाद जो नीचे उसने ये वाली बात की है, ये उसने बताया कि हर किताब में जो चैप्टर होते हैं उनमें उनमें भी यही स्किल फॉलो की जाती है, यही तीन हिस्से बनाए जाते हैं। और फिर इवन के विद इन ईच पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ की बात करें उसमें भी यही बातें हैं। वो कहता है कि फर्स्ट सेंटेंसेस, दिस स्ट्रेटजी अज्यूम्स दैट द फर्स्ट और ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस द मेन पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दैट पैराग्राफ। कहता है आप कोई भी पैराग्राफ किसी अच्छी किताब का उठाकर देखें जो शुरू में पैराग्राफ दिए होंगे, उसकी पहली लाइनों में उसने बताया होगा कि इस किताब में मोटी मोटी कौन सी बातें वो करेगा। रीडिंग ओनली द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ ऑफन गिव्स यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर रीजनिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट दैट जस्ट रिलाइंग ऑन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कहता है अगर आप पूरे पूरे चैप्टर्स ना भी पढ़ें पैराग्राफ के, सिर्फ पहली पहली लाइन ही पढ़ लें हर पैराग्राफ की, तो आपको एक अंदाजा मिलना शुरू हो जाएगा कि ये इस पैराग्राफ में इसके बारे में बात हुई है, उसके बाद उसने इसके बारे में बात की है, उसके बाद उसने इस तरफ ये वाली बात की है, तो आपको एक मोटी मोटी उससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे मैं फर्ज करें एक बच्चे को कहता हूँ मेरे पास 20 सफ़ों की किताब है, मैं कहता हूँ कि ये जनाब आपने पढ़नी है, आपके पास एक घंटा है, वो कहता है सर ये इतने सारे सफ़े मुझसे नहीं पढ़े जाते, मैं इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ अच्छा यार आपने ये जो इसमें 12 पैरे या 30 पैरे दिए हुए हैं, ये इन इन पैरों को जो है ना आपने इनका जस्ट पहली पहली लाइन पढ़नी है। वो कहेगा सर ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, मैं फ़ौरन से पढ़ लूँगा। तो इसलिए वो स्किमिंग करनी आसान है, उसमें जो ये भी हम फर्स्ट और एंड वाली बात कर रहे हैं स्टार्ट फिनिश अप्रोच, ये आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो और आपने ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हो, तो ये एक अप्रोच है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वंस यू हैव एस्टैब्लिश्ड दैट द मटेरियल इज व्हाट यू नीड, देन यू कैन री रीड इट। वो कहता है और आमतौर पे ये ऐसे भी होता है कि आप जब भी कभी बाजार में जाते हैं ना वो किताब खरीदने, आप कहते हैं यार इस टॉपिक पे मुझे किताब चाहिए, वो आपके सामने किताबों का ढेर रख देता है, अब आप उसमें से कौन सी किताब चूज करें, और बाद ऐसा होता है आप किताब ले लेते हैं, टाइटल ऊपर किताब के कुछ दिया हुआ है, अंदर किताब के वो चीज़ ही नहीं है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। अगर आप वहाँ पे बुक शॉप के ऊपर खड़े होकर इसकी थोड़ी बहुत स्किमिंग कर लें, इसके जस्ट एक बार वो चैप्टर्स के नाम पढ़ लें गौर से, या चैप्टर्स के अंदर जो जो एक खास स्पेसिफिक वो चैप्टर है जो आपको लगता है कि इसमें मेरी वाली बात जो मैं देखना चाहता हूँ वो मौजूद है, उस चैप्टर को खोल के उसके पैराग्राफ्स की अरेंजमेंट चेक कर लें, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी किताब चूज करने में। और अगर कहता है एक बार आपने वो मतलब आपको पता चल गया, आपने देख लिया कि हाँ ये वाली किताब है जी मुझे चाहिए है, तो फिर आप उसको बाद में परचेज करके पढ़ भी सकते हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ लें बेशक फिर जिस तरह आप नॉर्मल पढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया फर्स्ट सेंटेंसेस में, ठीक है। अच्छा फर्स्ट सेंटेंस टेक्निक कैसे काम करती है, द फर्स्ट सेंटेंस टेक्निक इज ऑल्सो एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू यूज व्हेन नोट्स टेकिंग फ्रॉम बुक्स एंड आर्टिकल्स। कहता है ये फर्स्ट सेंटेंस टेक्निक तब काम करती है जब मैं आपको कोई किताब दे दूं और मैं कहूं कि कल को आपने इसके बारे में समरी लिख के लानी है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं आप हर पैराग्राफ की पहली पहली लाइन पढ़ेंगे, उससे आपको एक अंदाजा होगा किस पैराग्राफ में किस टॉपिक के ऊपर बात हुई है। अगर किसी पैराग्राफ में ज्यादा डिटेल्स डिस्कस हुई हुई है तो फिर आप उसके अंदर भी पढ़ सकते हैं, अगर मोटी मोटी बात हुई है तो वो आपको वहीं से पता चल जाएगी। इट कैन बी यूज टू क्रिएट इफेक्टिव समरीज ऑफ द अदर पीपल्स राइटिंग। ये जो आप अक्सर देखते हैं ना कि किताबों के वो रिव्यू होते हैं, एक बंदा कहता है मैंने फलां किताब पढ़ी है उसमें ये चीज़ें थी, ये ऐसे ही पढ़ी जाती हैं किताबें, एक्चुअली स्किमिंग की जाती है, उनको मोटा मोटा पढ़ा जाता है, उनसे पता चलता है कि इस किताब के बारे में क्या राय रखी जाती है, इनिशियल जो रिव्यूज आते हैं वो इस तरह के आते हैं। तो किसी भी बंदे की आप किताब ऐसे पढ़ सकते हैं। रिमेम्बरिंग ऑफ कोर्स दैट द सेंटेंस आर स्टिल द ऑथर्स वर्ड्स। कहता है लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो आप ये पहले पहले सेंटेंस सारे कॉपी करके अपने किताब में लिख रहे हैं ना, इसने इस वाले चैप्टर में ये बात की, इसमें ये की, इसमें ये को काम की, आपको लफ्ज लगाया, आपने कॉपी पेस्ट कर लिया अपने नोट्स में, तो कहता है एक बात याद रखिएगा कि ये लफ्ज जो है, ये अल्फाज जो है, ये उस ऑथर के हैं, ये आपके नहीं है, और यहाँ पर प्लेजरिज्म की बात हो सकती है, कॉपी पेस्ट एक क्राइम है तो कॉपी पेस्ट से बचना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल नोट्स के लिए बना रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वंस यू हैव क्रिएटेड द समरीज, जब एक बार कहता है आप सब वो पहली पहली लाइनों को सब लाइनों को इकट्ठा कर लेते हैं, then you will still have to rewrite them in your own words. तो फिर आप उनको अपने अल्फाज में लिख लें बाद में आसानी से, ठीक है ना। तो this is called, और इस phenomena को कहते हैं paraphrasing.
जो अपने अल्फाज में लिखना है इसको पैराफ्रेजिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैराफ्रेजिंग की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली कि पैराफ्रेजिंग क्या है, कि पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में फ्रेज करना, ठीक है। री राइटिंग डेम इन योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। ओके, यहाँ तक हो गया फर्स्ट सेंटेंस टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने जो है ना ये स्किमिंग पढ़ी है अभी पहले। स्किमिंग है मोटा मोटा पढ़ना, और स्किमिंग में दो टेक्निक्स पढ़ी है, एक स्टार्ट फिनिश टेक्निक देखी है, फर्स्ट सेंटेंस देखी है, और फर्स्ट सेंटेंस में फिर उसने ये एक बताया कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए स्कैनिंग, दूसरी टेक्निक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोट्स के लिए, किताबों के लिए। स्कैनिंग या इंटरनेट पे अक्सर बच्चे को कोई असाइनमेंट मिलती है तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह स्कैन करना है, तो ये स्कैनिंग एक बहुत अहम टूल है जो इस्तेमाल हो करना चाहिए बच्चों को। मोस्ट पीपल यूज स्कैनिंग टू रीड वेब पेजेस व्हेन सर्फिंग द इंटरनेट। आमतौर पे अब आपको पता है इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है, आप गूगल पे, मैं कहता हूँ कि आज आपने यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, या कोई मैं कहता हूँ ड्राउट इन पाकिस्तान, उसके ऊपर आपने नोट्स लिख के लाने हैं या एक समरी बनानी है, आप गूगल पे सर्च करें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब कौन से वाला उसमें से लेना है, कौन से वाला काम का है, इतनी सारी चीजें हैं। तो क्या होता है कि मोटी मोटी, जस्ट जैसे ये भी, ये मैंने नोट्स आपके सामने खोले हैं, मैंने जब उसको शुरू में खोला देखा, ओके दिस वन इज इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज, ओके इसमें क्या क्या डिस्कस हो रहा है, इसमें स्किमिंग डिस्कस हो रहा है, इसमें स्कैनिंग डिस्कस हो रहा है, मतलब मोटी मोटी हेडिंग्स जो है वो आपने पढ़नी शुरू कर दी, स्कैन किया, ठीक है। अब वो स्कैनिंग जो है वो कहता है किस लिए जरूरी है, ताकि आप जरा ज्यादा चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ लें, उसके लिए जरूरी है। स्कैनिंग हेल्प्स यू एस्टैब्लिश वेयर इन अ बुक और आर्टिकल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड। और ये आपके लिए इसलिए अहम है कि जैसे मैंने पहले बताया, अक्सर बच्चे गलत किताब खरीद लेते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता और वो गलत किताब खरीद के ले आते हैं, तो स्कैनिंग जो है आपको हेल्प करती है, आप उस गलत किताब को खरीदने की बजाय उसके अगर कॉन्टेंट्स को एक बार नजर दौड़ा लें बुक डिपो पे खड़े होकर ही, बुक शॉप पे खड़े होकर ही, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक चीज, हाउ डू आई स्कैन, वो कहता है मैं कैसे स्कैन कर सकता हूँ किसी चीज को, तो वो स्कैनिंग के जो तरीके हैं वो देखते हैं। सपोज यू हैव फाउंड अ बुक, कहता है फर्ज कर लेते हैं आपने किताब ढूंढी, हुज टाइटल लुक्स वेरी प्रोमिसिंग, इसका टाइटल बहुत कह लें कि खूबसूरत है और आपको लग रहा है कि इसमें बड़ा कुछ होगा, बड़ा कुछ छुपा होगा, ठीक है, बड़ी उम्मीदें बंध जाती हैं आपकी उस टाइटल को पढ़ने के बाद। इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग, मतलब जैसे मैं अब आपको बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार मैंने आपको असाइनमेंट दे दी क्लास को, मैंने कहा सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन, जो इस वक्त हमारा COVID-19 में ये क्लासेस का शेड्यूल है, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाएं। अब एक बच्चा आता है वो कहता है ऑनलाइन सिस्टम के क्या मसाइल हो सकते हैं, मैं इसके बारे में किताब ढूंढता हूँ, वो जाएगा किसी बुक डिपो पे जाके कहेगा मुझे ऑनलाइन के बारे में कोई किताब दे दे। अब ऑनलाइन प्रोग्रामिंग है, ऑनलाइन इतनी चीजें, मतलब डिफरेंट, ऑनलाइन के नाम से तो बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बहुत सारे टाइटल्स होंगे, तो अब कौन सा वाला टाइटल या कौन सी किताब से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज द मेजर पॉइंट जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखें उसने कहा स्कैनिंग कैसे करनी है, हाउ डू आई स्कैन, स्टेप वन, पहले स्टेप में क्या है, ओपन द बुक, किताब खोले, एंड लुक एट द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, एंड दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी किताब खरीदने से पहले उसके किताब के बाहर वाले कवर को ना देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कितना रंग भरे हुए हैं, इस चीज पे ना जाएं, किताब खोलें उसके टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स पे नजर दौड़ाएं। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में क्या देखेंगे कि उसके चैप्टर कितने हैं और किस नाम के चैप्टर हैं, किस तरीके से उसने ये कहानी को आगे बढ़ाया है। लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द बुक, वो कहता सामने शुरू में किताब के होंगे, इट विल लिस्ट मोस्ट बट नॉट नेसेसरी ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्शंस, वो कहता उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो कॉन्टेंट्स होंगे ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा क्या होंगी, नंबर वन ए प्रीफेस, एक सबसे पहले हर किताब के शुरू में ए प्रीफेस के नाम से दिबाचा होता है, आपने अक्सर देखा होगा, वो क्या होता है कि वो किताब के बारे में कि ये किताब लिखने की ऑथर को क्यों जरूरत पेश आई, इस किताब में कौन सी इन्फॉर्मेशन कवर की गई है, ये किताब किन लोगों के लिए लिखी गई है, सारी बातें प्रीफेस में उसने की होती है। ऑल दो मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी एक बच्चे ने भी शायद अभी तक प्रीफेस पढ़ के कभी देखा हो, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए अगर आपको नई किताब खरीदने लगे। अच्छा फिर चलें, ये नहीं भी पढ़ना प्रीफेस को, इतना जरूरी नहीं है। आगे लिस्ट ऑफ डायग्राम्स, टेबल्स और इलस्ट्रेशन, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है, टेबल के बने हुए हैं, एन इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है, और ये सबसे अहम है द वेरियस चैप्टर्स इन सीक्वेंस फ्रॉम वन टू ना एन, एन का मतलब है कि जितने मर्जी, मतलब 10 हैं चैप्टर तो 10 तक, 12 हैं तो 12 तक। और ये मेरे ख्याल में सबसे अहम बात है इस क्लास में कि वो उसके चैप्टर को एक बार नजर दौड़ाएं, मतलब इसमें चैप्टर क्या लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसने किस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया है, ये चैप्टर के सिर्फ
नाम पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि उसने किस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है। कंक्लूजन, अगर उसका कंक्लूजन अलग से दिया हुआ हेडिंग डाल के, तो उस किताब का वो कंक्लूजन पढ़ लें वहां पे खड़े खड़ी, ताकि पता चल जाए ये किताब एक्चुअली एट दी एंड बात क्या कर रही है। ये अगर वो किताब है ही सिर्फ इस बात पे कि जी ये सारी बातें करने के बाद साबित हुआ कि ये बात अभी प्रूव नहीं हुई और इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जरूरत है, तो मेरे ख्याल में उस किताब की भी जरूरत भी नहीं है आपको। बिब्लियोग्राफी, उसके जो पीछे रेफरेंसेस वगैरह दिए हैं वो देख लें। अच्छा, इंडेक्स, ये बहुत अहम चीज़ है, ये कुछ किताबों में होती है कुछ में नहीं होती। इंडेक्स जो होती है ये जैसे मैंने पहले बताया था कि एक लिस्ट ऑफ ऑल द टर्म्स विच आर यूज्ड इन द बुक, वो इंडेक्स के अंदर पीछे लिखी होगी। ग्लॉसरी भी हो सकती है या इंडेक्स के नाम से हो सकती है, ठीक है। तो इंडेक्स को देखने से पता चलेगा इसमें कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किताब ने किस टॉपिक को कवर किया हुआ। तो ये तमाम चीज़ों में से जो आपको बेहतर लगे आप उसको देख सकते हैं। नंबर टू, स्टेप टू क्या है, रीड द चैप्टर हेडिंग्स। अब जो चैप्टर आपको पसंद आया है, फर्ज करें इसमें एक चैप्टर आपको पसंद आ जाता है, आप कहते हैं एक मिनट बेटा एक बच्चे का मैसेज आ गया था, पहले मैं ये देख लूं। ओके, तो रीड द चैप्टर हेडिंग सबसे पहले ये कि फर्ज करें एक चैप्टर जो है वो आपने अभी आपको पसंद आ गया, दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर, तो उसमें आप जो है वो आप कहते हैं ओके अच्छा जी प्रीफेस दिबाचा मैंने पहले लिखवाया आपको दिबाचा, ठीक है। ये वो आमतौर पे दिबाचिया के अंदर भी लिखा जाता है और वैसे भी लिखा जाता है, मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे दिबाचा यूं करके होता है ये ठीक है। तो ये आमतौर पे लिखा जाता है और ये दिबाचा जो होता है ना ये एक मिनट मैं इसको सेट कर दूं आपके लिए थोड़ा सा, इस फॉर्म में लिखा होगा ठीक है। दिबाचा होता है अबाउट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक और व्हाट व्हाई दिस बुक इज नीडेड, ये किताब की जरूरत क्यों पेश आई, ये किताब क्यों पब्लिश की जा रही है, इसकी जरूरत क्या है। तो एक्चुअली उसमें प्रीफेस में सारी बातें बताई जाती हैं कि ये किताब क्यों पेश पब्लिश की जा रही है। अच्छा, आगे रीड द चैप्टर, अगर आपको कोई चैप्टर पसंद आ गया, आप कहते हैं चैप्टर नंबर थ्री बहुत अच्छा है जी, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो इसको जो है वो आप उस चैप्टर की फिर आगे हेडिंग्स देख लें कौन कौन सी। डू दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हैं उसके अंदर वो चैप्टर की हेडिंग्स में मौजूद है, ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपको मैंने कहा फोटोसेंसिस पे नोट लिखना है आप सब बच्चों ने, या चलें फोटोसेंसिस भी छोड़ें आप क्योंकि आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आईटी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर आपने नोट लिखना है। अब आप जाते हैं किसी बुक डिपो पर, आप कहते हैं यार मुझे कंप्यूटर के बारे में किताब दिखाओ, वो एक किताब दिखाता है जिसका नाम ही सिर्फ कंप्यूटर्स है, ठीक है ना। अब कंप्यूटर्स के नाम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कौन कौन सी होंगी उसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर पार्ट्स, इस तरह की चीज़ें उसमें बहुत सारे चैप्टर बने होंगे उसके अंदर। एंड इफ़ यू लाइक वन स्पेसिफिक चैप्टर, आप कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर, फर्ज करें एक चैप्टर है, आपको लगता है कि इस एडवांसमेंट इन कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंटरनेट की बात हुई होगी कहीं ना कहीं, तो आप क्या करते हैं आप जाते हैं आगे, आप जाके देखते हैं उसमें कोई इंटरनेट की बात हुई हुई है, कोई इसकी हेडिंग डली हुई है, अगर तो डली हुई है तो यस ये किताब आपके काम की है, आप इसमें से इंटरनेट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर इसमें इंटरनेट की बात ही नहीं है तो इस किताब को खरीदने का मकसद ही क्या है आपके पास, जब आपको आपकी इन्फॉर्मेशन ही इससे नहीं मिल रही। इसी तरह एक किताब ही सिर्फ पूरे इंटरनेट के ऊपर ही छपी हुई है और वो इंटरनेट के ऊपर जो किताब छपी है वो 200 सफ़ों की किताब है, मैंने आपको एक असाइनमेंट लिखने को दी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप उस 200 सफ़ों की किताब को एक दिन में पढ़ लें, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है आपके लिए, ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जीरो है, तो दोनों चीजें ही आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप तो एक्चुअली ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत एक मटेरियल मिल जाए जो आप इसको आसानी से हजम कर सके। तो ये जनरल बातें थी इसके बारे में कि आप किस तरीके से इसको पढ़ते हैं, इंटरनेट चैप्टर्स को कैसे पढ़ते हैं। बच्चे मुझे बीच में मैसेज कर रहे हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब बाद में देता हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाए करवाता हूँ, अभी रुक जाए जरा थोड़ा सा, मैसेज कर रहे हैं ठीक है। इन्फॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, ये हो गया। उसके बाद आखिरी चीज है स्टेप थ्री, सर्च द इंडेक्स फॉर रेलिवेंट टॉपिक और कीवर्ड्स। आप अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मैं कहता हूँ यार इसमें हुरैरा, एक मिनट रुक जाओ बेटा मैं फिर बाद में आपसे बात करता हूँ, मैं अभी एक टॉपिक खत्म कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन करूंगा, उसमें सारे सवाल आप पूछ लीजिएगा। तो स्टेप थ्री में वो इंडेक्स, आप जो है ना किताब के एंड पर इंडेक्स दिया होगा, उसमें काफी सारी टर्म्स दी होती हैं, टेक्निक्स दी होती हैं, आप उसको पढ़ें, उसके अंदर जो है वो देखें रेलिवेंट टॉपिक आता है कि नहीं आता। अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं,
मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ये बिब्लियोग्राफी जो होती है ये बेसिकली जिसको आप कहते हैं ना ग्लॉसरी, ये उससे मिलती जुलती टर्म है, ठीक है। तो ये उसमें इससे आपको पता चलेगा कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी डेफिनेशंस इस्तेमाल हुई हैं या कौन कौन सी चीजें हैं। इंडेक्स इज समथिंग एल्स, इंडेक्स ग्लॉसरी में जो होती है ना डेफिनेशंस होती हैं सारी, वो डिफाइन की होती हैं चीजें। इंडेक्स में क्या होता है कि सिर्फ उसका नाम लिखा होता है, जैसे फर्ज करें हम इंटरनेट ढूंढ रहे थे ना, यहाँ पे इंटरनेट का नाम लिखा है और आगे लिखा हुआ है कि ये वाली टर्म जो है ना ये इस्तेमाल हुई है पेज नंबर 65 के ऊपर इस किताब के अंदर, ठीक है। ये वाली टर्म 65 पे इस्तेमाल हुई है, 113 पे इस्तेमाल हुई है, 220 पे इस्तेमाल हुई है, इन इन जगहों पर ये वाला लफ्ज इंटरनेट का आया हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहूंगा, मुझे पता है 65 नंबर सफा देखो, 113 नंबर देखो, 220 नंबर देखो, एंड आई देन आई विल कंक्लूड के मेरे पास वो इंफॉर्मेशन मौजूद है भी कि नहीं है। ग्लॉसरी जो है वो तो सिंपल डेफिनेशंस हैं, आपको वहां से डेफिनेशंस मिल जाएंगी कि किस किस टॉपिक के ऊपर डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई डेफिनेशन वगैरह आप देखना चाहते हैं या कोई तैयारी करना चाहते हैं उसके हवाले से अहम है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ ड्राइंग यहाँ से, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। स्टेप फोर, व्हेन यू फाइंड अ रेलिवेंट रेफरेंस, कहता जब आप कोई अपने को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या रेफरेंस ढूंढ लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इन द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में गो टू अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द बुक, कहता उस खास सेक्शन पर जाएं पेज नंबर ढूंढ के उसका, रीड द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स, उस चैप्टर के पहले दो पैराग्राफ्स पढ़ ले, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या बात हुई हुई है, अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी कवर्ड, इसके अंदर कौन सी बात होगी। ये ना सिर्फ दो पैराग्राफ पढ़ने से आपको पता चलेगा बल्कि ये भी पता चलेगा कि ये आपका मटीरियल जो है रेलिवेंट भी है आपके कि नहीं है, या इसके अंदर कुछ और ही बात हुई हुई है। इफ यू आर स्टिल अनसर्टेन, लेकिन अगर आप अभी भी कहता है मुतमईन नहीं है, आप अभी भी शक का शिकार है और आपको लगता है कि नहीं यार समझ नहीं लगी बात की पूरी कि ये मेरे लिए काम की भी है कि नहीं, देन रीड द फाइनल टू पैराग्राफ्स ऑफ दी समरी, तो कहता फिर आप क्या करें आखिरी दो पैराग्राफ पढ़ लें, मतलब किसी भी किताब के चैप्टर के पहले दो पढ़ें, अगर तो समझ लगती ठीक, नहीं तो आखिरी दो भी साथ पढ़ लें। ये वो स्टार्ट एंड वाली बात यहाँ पर आ गई जो हमने ऊपर पढ़ के भी आई, ये स्टेप फोर आ गया। अच्छा, फिर इसी तरह इन द इंडेक्स, चौथे स्टेप में ही इंडेक्स पर जाएं, गो टू अप्रोप्रिएट पेज और पेजेस इन द बुक, जो मैं भी बता के हटाऊं कि इंडेक्स क्या होता है, मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको एक इंडेक्स बना हुआ, तो उसके ऊपर पेज या पेजेस पर जाएं बुक में, फाइंड द पैराग्राफ, वो पैराग्राफ ढूंढे जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें, अगर जरूरी हो तो उस पैराग्राफ से ऊपर वाला और नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक हुई, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडेक्स कैसे नजर आता है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ एक यहीं पर मैं आपके साथ करता हूँ एक स्क्रीन, मेरे पास एक किताब है हॉर्टिकल्चर की जो हम अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें इंडेक्स बना हुआ है, इसमें ग्लॉसरी या बिब्लियोग्राफी भी है, दोनों चीजें इसमें मौजूद है, तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगी मेरे ख्याल में। जो अच्छी किताबें हैं उनमें ऑलमोस्ट इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो लेट मी शो यू विद द स्क्रीन शेयर कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। ये तनवीर कह रहा है सर जी ऐड कर लें बच्चों को, ऐड कहाँ करना है, ऐड तो हुए हुए हैं ऑलरेडी, किसको ऐड करना है। अब 54 स्टूडेंट्स क्लास पढ़ रहे हैं तनवीर मेरे पास, किसको ऐड करूँ मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा जी, लेट मी शो यू द शेयर स्क्रीन ऑप्शन, एम एन मलिक, दिस वन हेयर शेयर, ये देखें जी, ये किताब है, ये मेरे पास सॉफ्ट में पड़ी है, हॉर्टिकल्चर बाय महमूद नवाज मलिक, ये सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास पड़ी है। इसमें नीचे आते हैं, ये देखें, इस किताब को देखने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कोई भी किताब आपने देखनी हो तो आप उस किताब के कॉन्टेंट्स देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेंट्स में ये देखें, कॉन्टेंट्स को क्लिक किया, ये इसके कॉन्टेंट्स हैं, देखें इसमें क्या क्या है कॉन्टेंट्स में, फिगर्स हैं, फिगर्स की पूरी लिस्ट बनी होगी, टेबल्स हैं उसकी लिस्ट बनी होगी, फॉरवर्ड एक लेटर दिया हुआ उसने, एडिटर्स प्रीफेस, ये एडिटर ने बताया कि ये किताब किसके बारे में है, यस, और ये यहाँ तक ये चार चीजें, ये चार पांच बातें जो है ये जनरल है, उसके बाद उस किताब के चैप्टर देखें, इंट्रोडक्शन टू द स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट के बारे में कुछ बातें बताई हैं किताब के बारे में, अब यहाँ से एक्चुअल चैप्टर शुरू हो रहे हैं, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, दूसरा प्लांट ग्रोथ के ऊपर है, तीसरा मेटाबॉलिज्म पर है, चौथा फेजेस पर है, मतलब ये ऐसे चलते 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 ये टोटल इसके 15 चैप्टर है। और नीचे देखें अब यहाँ पर एंड पर आकर देर इज अ ग्लॉसरी जिसको वो बिब्लियोग्राफी भी बोल रहा था, एंड देर इज इंडेक्स,
एंड आई विल शो यू बोथ ऑफ दीज नाउ. मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखते हैं. ये ग्लॉसरी पे क्लिक किया मैंने, ये देखें ग्लॉसरी जो है ये क्या होती है कि आपके सामने ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड डेफिनेशंस हैं उस टॉपिक के रिलेटेड या उस किताब से रिलेटेड, और ये सारी डेफिनेशंस से पता चल जाता है कि ओके यार ये इन इन टॉपिक्स को कवर कर रही है. ठीक है, ये ऐसे चलती 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 सारी ग्लॉसरी ये बनी हुई है, आपको नजर आ रही है सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लॉसरी एंड इंडेक्स. तो इंडेक्स पर चलते हैं, ये देखें ये इंडेक्स आ गया. अब इंडेक्स में देखें इसमें भी अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट हुई हुई है हर चीज की. इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में जस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं. जैसे मैं हॉर्टिकल्चर का हूं ना, तो मैं कहता हूँ यार इसमें हॉर्टिकल्चर कहाँ इस्तेमाल हुआ वर्ड, वो कहता है हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी वर्सेज हॉर्टिकल्चर पेज नंबर 3 पे बात हुई है इसके ऊपर. इसी तरह हॉर्टिकल्चर में नीचे देखता हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, वैसे पता नहीं इसने हॉर्टिकल्चर का लफ्ज़ दिया है कि नहीं. नीचे देखते हैं हॉर्टिकल्चर में जाके सारे एक ही हेडिंग चल रही है अभी, और ये बी आ गया, ये सी आ गया, इसके नीचे काफी नीचे जाना पड़ेगा हमें. लेट मी गो देयर टू सी हाउ मेनी टाइम्स हॉर्टिकल्चर वर्ड इज यूज्ड. हर बार नहीं दिया होगा लेकिन मोटी मोटी बात उसने जरूर बताई होगी. एम एन ओ पी क्यू आर एस डी ई एफ जी एच एल एन जी. जी सीरीज में आ गए हैं हम, जी सीरीज में जाके ये देखें नीचे अब इसमें आ गए एच, एच में आ गए. एच में हमने हॉर्टिकल्चर ढूंढना है, देखते हैं हॉर्टिकल्चर इसने दिया हुआ है इसमें. वैसे हॉर्टिकल्चर ये देखें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स उसके करेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर सफ़े पर हैं. ठीक है, हॉर्टिकल्चरल रिसर्च स्टेशन शुजाबाद के बारे में इन्फॉर्मेशन 170 नंबर पर है. ये मतलब जो जो हॉर्टिकल्चर के बारे में उसमें बात की हुई है वो उसके बारे में बता रहा है. तो अगर मैं आप 100 जैसे ये है ना हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स करेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर सफ़े पर है, तो अब मैं अगर 5 नंबर सफ़े पर जाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके भी, अगर मैं 5 नंबर सफ़े पर जाऊँ तो आपको नजर आएगा कि वाकई में वहाँ पे हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन लिखी है कि नहीं. जो वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ. ये इसमें 5 नंबर सफ़ा निकालते हैं, हम नीचे जाते हैं. ये किताब के असल सफ़े पेज नंबर शुरू हो रहे हैं नीचे से, ये भी चैप्टर नंबर चल रहे हैं सारे, प्रीफेस चल रहा है, थोड़ा नीचे आ जाए. ये देखें यहाँ से आगे ये आ गया, ये है टू द स्टूडेंट. ये लोग बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन दी है कि ये किसके बारे में है, किन बच्चों के लिए जरूरी है, इस किताब के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. बहरहाल जो हम बात करना चाह रहे थे वो ये है कि 5 नंबर सफ़ा हम ढूंढ रहे हैं और 5 नंबर सफ़ा ये आ गया. ये देखें इधर ये है जी 6 नंबर सफ़ा, ये वाला 6 नंबर है. वी वांटेड टू गो टू 5 नंबर पेज, ये 5 नंबर सफ़ा. इस 5 नंबर सफ़े पे जो बातें हुई हैं वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में हुई हैं. ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये अगर आप पहला पैरा इसका पढ़ लें तो ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में है सारा. ठीक है, ये सारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में बात की हुई है, ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में सारी बातें हुई है. मेडिकल हॉर्टी, ये देखें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वर्ड आ गया यहाँ पर, ये रहा. ठीक है ना, तो अगर आप फील करते हैं कि यार मैं तो इसी को ढूंढ रहा था तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लें, और अगर आप समझते हैं यार ये तो अच्छी बात लिखी है या ये भी ये बात इनकम्प्लीट है, तो या तो इससे एक नीचे वाला पैरा पढ़ लें या इससे ऊपर वाला पैरा पढ़ लें, तो आपको कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी. तो इंडेक्स इस तरीके से काम करता है. मेरे ख्याल में आपको ये आज की चीज़ें समझ लगी होंगी. अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो लेट मी अलाउ यू टू अनम्यूट योर माइक.